दोस्तों, जब आप नया फोन लेते हो एकदम फास्ट होता है, सुपर फास्ट होता है। ऑब्वियसली आप अगर आजकल 8000 5000 का भी फोन ले लीजिए, अच्छा चलता है। लेकिन वही फोन फ्लैगशिप लेवल का भी हो, मिड रेंज का हो या एकदम एंट्री लेवल का भी हो, 6-8 महीनों के बाद धीरे हो जाता है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली एंट्री लेवल के। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपका जो पुराना फोन है जो स्लो है उसे आप नया यानी फास्ट कैसे कर पाओगे, नए जैसे। जी हाँ, सब कुछ बताएंगे, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आपका फोन फास्ट करने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए। दोस्तों, ये वीडियो करने का रीजन है कि इतने सारे लोग मुझे पूछते हैं मेरा फोन स्लो हो गया, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो सब कुछ बताने वाला हूं, 10-15 पॉइंट्स हैं, आप चेक कीजिए एंड आई गारंटी यू कि आपका फोन ये फास्ट जरूर होगा ये सब चीजों करने के बाद, पुराना फोन हो नया फोन हो, होगा जरूर। दोस्तों, एक बात यूनिवर्सल है, फोन स्लो कब होता है 90% केसेस में अगर आपकी जो स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज है, 16GB होती है, 32GB होती है, 64GB होती है, अगर वो खत्म हो गई या खत्म होने को आई है तो आपका फोन स्लो हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, जो आपका इंटरनल स्टोरेज है उसे फ्री कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लेकिन आप पूछोगे कि कैसे फ्री करूं, सबसे पहले तो ब्लोटवेयर, इतने सारे ऐप्स होते हैं। सीरियसली आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर एक नॉर्मल स्मार्टफोन यूजर हो तो 15 से 18 या 20 रेगुलरली आप इस्तेमाल करते हो ऐप्स, बाकी के जो ऐप्स होते हैं कम से कम 30-40 मोर देन 50% ऑफ द ऐप्स आप एक साल में एक बार इस्तेमाल करते हो। ऐसे जो ऐप्स हैं उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में बहुत सारे ब्लोटवेयर्स वगैरह भी होते हैं, वो भी हम भूल जाते हैं अनइंस्टॉल करना, वो भी निकाल दीजिए आपके फोन में से। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे पुराने वीडियोज होते हैं स्पेशली जो व्हाट्सएप से आते हैं आपको, जो आपने देखे भी नहीं है लेकिन आपका जो स्टोरेज है वो फुल करके रखते हैं, उन्हें निकाल दीजिए। ये सब चीजें फाइंड कीजिए, निकाल दीजिए। उतना ही नहीं दोस्तों, आपकी जो फोटोज हैं, वीडियोस हैं, जो आपको चाहिए वो गूगल के साथ बैकअप करवा दीजिए, क्लाउड पे रख दीजिए, आपके फोन के इंटरनल स्टोरेज से निकाल दीजिए, ताकि आपका जो स्टोरेज है इंटरनल स्टोरेज फ्री हो जाए और आपका फोन फास्ट हो जाए। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर लग रहा है तो लाइक कीजिए, अभी तक नहीं लगा है पूरा देखिए, लाइक लगा तो लाइक कीजिए। दोस्तों, एक चीज मैं बताऊंगा, आप जब माइक्रो SD स्पेशली अगर हाइब्रिड सिम स्लॉट SD कार्ड स्लॉट हो या डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट हो, तो हम एक सस्ता सा 150-200 रुपए वाला SD कार्ड डाल देते हैं, लेकिन उसकी वजह से फोन स्लो होता है। आप फास्ट माइक्रो SD कार्ड इस्तेमाल कीजिए, क्लास 10 कम से कम। और हमारा हमने किया हुआ है कि अलग अलग माइक्रो SD कार्ड कौन से आपने खरीदने चाहिए वो देखिए, और उस हिसाब से जो फास्ट होगा, 100-150 रुपए आपके ज्यादा जाएंगे लेकिन आपका फोन जो है डेफिनेटली फास्ट परफॉर्म करेगा। चलिए, आपका फास्ट SD कार्ड भी हो गया, उसके बाद में आपने आपका जो स्टोरेज है वो भी फ्री कर दिया, फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा स्लो है तो क्या कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके होम स्क्रीन पे वगैरह बहुत सारे विजेट होते हैं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं पता भी नहीं चलता है, वैसे ही रखे हुए होते हैं, उसकी वजह से फ़ोन स्लो होता है, उन्हें निकाल दीजिए। दूसरी बात, एनिमेशंस क्यों चाहिए? देखिए, बहुत सारे लोगों को एनिमेशंस अच्छे लगते हैं लेकिन उनकी रियली कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप आपके सेटिंग्स में जाके एनिमेशंस ऑफ कर दोगे, आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि आपका जो फ़ोन है वो कितना फास्ट हो गया है। और रेगुलर यूसेज में आपको कुछ मैं बातें बताता हूँ। एक तो रेगुलरली दिन में एक 3-4 बार तो आप जो अनयूज्ड ऐप्स होते हैं, मतलब आपने 3-4 ऐप्स इस्तेमाल किए रख दिया और 2-3 ऐप्स इस्तेमाल कर दिए रख दिया, ये सब बैकग्राउंड में चालू रहते हैं, तो उन्हें रेगुलरली बंद करते जाइए। इसकी वजह से जो रिसोर्सेज होते हैं आपके फ़ोन के वो कम इस्तेमाल होंगे और आपका जो फ़ोन है वो फास्ट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक वार्निंग देता हूँ आपको, क्लीनर ऐप्स वगैरह जो होते हैं बिल्कुल भी मत इस्तेमाल कीजिए, वो क्लीन कम करते हैं आपके फ़ोन में एडवेयर्स जो होते हैं या फिर एड्स जो होते हैं वो ज़्यादा डालते हैं, इनका कोई फायदा ही नहीं है आजकल। एटलीस्ट अगर 5-6 साल पहले आप देखते थे तो कुछ फायदा होता था, लेकिन अब कुछ फायदा नहीं है क्योंकि एंड्रॉइड सिस्टम ही इतना अच्छा हो गया है, वो खुद ही बहुत सारी चीजें क्लीन करता है, तो क्लीनर ऐप्स नो। और एक बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, वीडियोस देखते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, तो लाइट ऐप्स इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, स्पेशली मैं फेसबुक के बारे में कहता हूं, इतने सारे प्रोसेसेस खाता है, इतनी सारी बैटरी खाता है, पूछिए मत। तो फेसबुक लाइट इस्तेमाल कीजिए, ट्विटर लाइट इस्तेमाल कीजिए, टिकटॉक लाइट इस्तेमाल कीजिए, यूट्यूब गो इस्तेमाल कीजिए, गैलरी गो इस्तेमाल कीजिए, ये सब लाइट ऐप्स जो होते हैं या फिर लाइट वेरियंट्स होते हैं हर एक ऐप के, वो इस्तेमाल कीजिए, उसकी वजह से
रिसोर्सेज कम लगेंगे, आपका फोन फास्ट हो जाएगा। दोस्तों लॉन्चर्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत कस्टमाइज कर सकते हो आप, बहुत सारे एनिमेशन वगैरह कर सकते हो, लेकिन ये जो लॉन्चर्स होते हैं स्पेशली थर्ड पार्टी लॉन्चर्स, बहुत सारे, सभी नहीं कहूंगा, बहुत सारे आपके फोन को स्लो कर देते हैं। तो लाइट वेट लॉन्चर्स होते हैं, उन्हें इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका जो फोन है वो फास्ट हो जाए। वैसे हमने लॉन्चर्स पे भी वीडियो किया हुआ है, जरूर जाके देखिएगा। फाइनली ऑलवेज अपडेट योर फोन्स, ऑलवेज तो नहीं कहूंगा दोस्तों, मतलब अपडेट आपने करना चाहिए रेगुलरली, लेकिन जब कोई बड़ा अपडेट आता है तो ऐसे भी होता है कि आपका जो फोन है वो एक एंड्रॉयड सिस्टम या समझिए एंड्रॉयड 8 के लिए बनाया हुआ है, जब एंड्रॉयड 9 आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, कभी कभी इन अपडेट से फ़ोन स्लो भी हो जाता है। तो अपडेट, ये जो बड़ा अपडेट होता है वो करने से पहले थोड़ा रिसर्च कीजिए, अगर अच्छा है अपडेट, फास्ट है, कोई बग्स नहीं है तो उन्हें अपडेट कीजिए। कीप योर फोन अपडेटेड, स्पेशली जो सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। फाइनली दोस्तों ये सब कुछ आपने किया फिर भी आपको लगता है कि आपका जो फोन है वो स्लो है, तो आप क्या करोगे, उसे संजीवनी बूटी दोगे। और ये संजीवनी बूटी क्या है, आपका जो फोन है उसे रीसेट कर दीजिए, हार्ड रीसेट मारिए। पहले बैकअप वगैरह ले लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सेव करके रख दीजिएगा और हार्ड रीसेट करिए, उसके बाद में आप जो भी एप्स वगैरह चाहिए वो इंस्टॉल कीजिए। फाइनल जो होता है वो यही होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है हार्ड रीसेट करते जाइए। इनफैक्ट इट्स अ गुड हैबिट कि हर एक 4-5 महीनों के बाद एक रीसेट अगर आप फ़ोन को करोगे तो ये फ़ोन के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है और आपका टाइम ज़रूर बच जाएगा। कैसे लगा दोस्तों ये वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए और अगर आपको फ़ायदा हो गया अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इट्स ऑलवेज गुड टू शेयर गुड कर्मा, आपको भी अच्छा कर्मा मिलेगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।